देखो, इंटरनेट की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। उसमें से वेबसाइट के नाम से भी एक वर्ड है जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में नहीं जानते हैं। उसमें से आप भी हैं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं पता है वेबसाइट क्या है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं वेबसाइट क्या है और काम कैसे करता है। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं इस कमाल की नॉलेज के बारे में। अगर दोस्तों हम आपसे गलती से भी पूछ दें कि गूगल क्या है तो आप बोलोगे, अबे भाई ये कैसा सवाल है, भला आज के समय में गूगल के बारे में कौन नहीं जानता। हर एक बच्चा जानता है गूगल के बारे में क्योंकि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने क्वेश्चन को लिखकर या तो फिर बोलकर टाइप करते हैं और सर्च कर देते हैं तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे सामने रिजल्ट में अलग अलग तरीके का आंसर गूगल शो कर देता है, जिससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो गूगल हमारे सामने अलग अलग तरीके का आंसर शो करता है जिस पर हम क्लिक करके उस पर विजिट करते हैं, वो आखिर लिखता कौन है, बनाता कौन है, डिजाइन कौन करता है, क्या गूगल करता है? मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से YouTube एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग यूट्यूबर हैं अपने चैनल को बनाए हुए हैं और अलग अलग वीडियो को अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, उसी तरीके से गूगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग क्रिएटर अलग अलग नाम से वेबसाइट बनाए हुए हैं, उस पर अलग अलग आर्टिकल लिखते हैं अलग अलग क्वेश्चन से रिलेटेड। हम आपको बता दें कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि आखिर यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो जो भी बंदा अपने वेबसाइट में लिखा होगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और उसी के हिसाब से अलग अलग टिप्स दिया होगा कि यूट्यूब चैनल इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो गूगल क्या करेगा कि उसी बंदा का जो आर्टिकल है वो आपके सामने शो कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा यूट्यूब पर अपने नाम से या तो फिर किसी भी नाम से चैनल बनाता है जिसे हम चैनल के नाम से जानते हैं, उसी के हिसाब से गूगल है जहाँ पर अपने नाम या तो फिर किसी भी नाम से एक वेबसाइट क्रिएट किया हुआ होता है, उसी वेबसाइट पर अलग अलग लेख लिखा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाया जाता है जबकि गूगल पर लिखना पड़ता है। अगर आप हिंदी में सर्च करते हैं तो वहाँ पर हिंदी में शो होगी, अगर आप इंग्लिश में सर्च करते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में शो हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि वेबसाइट का मतलब है एक चैनल। वेबसाइट को हम चैनल के नाम से भी जान सकते हैं।